नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। बात करें तो सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370, नोटबंदी, कोरोना से लेकर चीन के साथ में सीमा विवाद, जीडीपी और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार अपने आप को सफल मानती है, लेकिन विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फेल रही है। बड़ी बात यह है कि हर मुद्दे पर बीजेपी खुद को सफल मान रही है और विपक्ष उसे फेल बता रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है, और ये जो 7 साल गुजरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को चलाते चलाते वो कितने सफल रहे हैं, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार को कल 7 साल पूरे हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी हर उपलब्धि का बखान किया, चाहे वो सीए हो या फिर एनआरसी और या फिर अनुच्छेद 370 को हटाना। बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए, जिसमें नोटबंदी से लेकर कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए व्यापक कदम शामिल हैं। लेकिन जहां बीजेपी ने 7 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए इन 7 सालों को 7 आपराधिक भूल बताया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था से लेकर कोरोना से निपटने में असफलता और किसान बेरोजगारी और महंगाई के मसले पर हमला किया है। अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी महंगाई पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने 7 मसलों को मोदी सरकार की विफलता के लिए रेखांकित किया। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को गर्त व्यवस्था में तब्दील करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकाल के औसतन 8.1% की जीडीपी वृद्धि की तुलना में जीडीपी की दर गिरकर 4.2% रह गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा नहीं किया गया। कमर तोड़ महंगाई के मसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। पेट्रोल से लेकर सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को पार्टी ने घेरा। किसानों के मसले पर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को असफल बताया। गरीब और मध्यम वर्ग पर भी मोदी सरकार की नीतियों को कांग्रेस ने असफल करार दिया। कांग्रेस के सवालों और आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। नड्डा ने दलों पर कोरोना काल में बाधा डालने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी साधना में जुटी, जबकि बाकी राजनीतिक दल होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन हो गए और सिर्फ ट्विटर या टीवी पर देखते थे। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के लोग साधना में जुटे हैं, तो कुछ लोग बाधा डालने में लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर भारत की छवि को गिराने का भी आरोप लगाया। खैर, कांग्रेस के सभी आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया, लेकिन कांग्रेस भी लगातार उन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है, जिन मुद्दों पर बीजेपी खुद की पीठ थपथपा रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो अपनी पीठ सरकार को थपथपा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, वो नोटबंदी का जिक्र हो, वो जीएसटी का जिक्र हो, रोजगार को लेकर, सरकार महंगाई को लेकर कुछ कहती नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, सरकार कहती है कि हमने जो व्यवस्था दी है वो सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। विदेश नीति को लेकर भी बातें होती हैं तो अपनी पीठ थपथपाई जाती है सरकार की तरफ से। भ्रष्टाचार को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन ये बताया नहीं जाता कि आखिरकार विदेशों से कितना धन भारत वापस आ गया है। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार की कमियां भी बताते हैं, हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो कि सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। साथ ही केसी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। हनुमा वाहिद जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। केसी जैन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा और जानने की कोशिश यही है कि आखिरकार जो व्यवस्था 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दी है, दूसरी बार आप चुनकर आए हैं, क्या आम आदमी आपसे खुश है, आपकी व्यवस्थाओं से खुश है? आप क्या आकलन कर पा रहे हैं, आपकी पार्टी क्या आकलन कर पा रही? देखिए हिमांशु जी, अभी पहली बात तो ये है कि दूसरे वर्ष की सरकार के अभी 3 वर्ष बाकी, लेकिन अगर पहली पंचवर्षीय योजना में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसकी सबसे बड़ी सफलता तो इसी में है, जो सफलता की ओर इंगित करता है कि जनता ने हमें स्वीकार किया और जनता ने दोबारा हमें सरकार बनाने का मौका दिया। दूसरी बात, जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 जी, रखिए अपनी बात को जी। और दूसरी बात यह है कि चाहे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे रहे हो या देश के अंदर के मुद्दे रहे हो, जिनको कांग्रेस लंबे समय तक उलझाती रही, उलझाना तो छोड़िए, जिनको कांग्रेस लंबे समय तक उलझाती रही, उन मुद्दों को हमने अपनी सूझबूझ के साथ उनको समाप्त किया। चाहे राम मंदिर बनने का रास्ता हो, उसको सुगम बनाने का काम रहा हो, डे बाय डे हेरिंग उसमें रही हो, या सीए जैसा मुद्दा रहा हो जिसको ला करके हम अपने भाइयों को, जो कि कहीं ना कहीं शरणार्थी के रूप में अभी तक अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि धारा 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा काम इसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से जो एक अलग राष्ट्र की तरीके से वहां बिहेव होता था, और यहां से जब लोग जम्मू कश्मीर में जाते थे तो कहते थे तू इंडिया से आया है, इस तरीके का बिहेव होता था। जो लोग वहां भंडारा वगैरह लगाने के लिए जाते थे जम्मू कश्मीर में, जब हमारी धार्मिक यात्राएं वहां पर होती थी, तो जो एक दो तरीके के राष्ट्र की विचारधारा जो एक पनप रही थी जम्मू कश्मीर में, उसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर को वापस भारत में एक तरीके से एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान की जो परंपरा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को ला करके डाली गई, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। ठीक है, धारा 370 का जिक्र किया आपने, सीए का जिक्र किया। कि आप देखिए चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात रही हो, या जो हमारे नौजवान है उनको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिस प्रकार से उनको मुद्रा लोन के द्वारा जिस प्रकार से उनको सस्ता लोन उपलब्ध कराया गया, और तमाम सारे नौजवानों को हमने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हर एक प्रदेश में चलाए गए, लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी जिन प्रदेशों में, वहां उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, सार्स उसको स्वीकार किया और लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिली, एक तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट डेवलप किया गया उसमें, और उन लोगों को स्वरोजगार की प्रेरणा मिली। तो इस तरीके से चाहे नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, राष्ट्रहित के मुद्दे हो, 3 तलाक का बिल देखिए, लंबे समय से महिलाएं मांग कर रही थी कि 3 तलाक का बिल आना चाहिए और ये 3 तलाक से जो मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ना होती है ये समाप्त होनी चाहिए। तो इस तरीके के काम, बड़े काम करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी छाप बनाई और जनता ने दोबारा 5 साल के लिए भेजा। 5 साल के जब जनता ने दोबारा भेजा है, हमने कई सारे काम किए, अभी कई सारे काम करने बाकी। ठीक है, ठीक है, आपने सीए का जिक्र किया, 370 का, किसान युवा का जिक्र किया, मैं इन सारे मुद्दों पर आपसे एक एक करके और भी बहस को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक एक करके मैं सबका जो पक्ष है वो जान लेता हूं। हनुमा वाहिद जी, आपको क्या लगता है, बेमिसाल जी, क्या ये जो 7 साल रहे हैं हनुमा वाहिद जी वो बेमिसाल रहे हैं, या फिर जो आप कह रहे हैं कि खस्ता हाल रहे हैं, आपकी नजर में क्या है? 7 साल भारतीय जनता पार्टी का हर तरीके से किसानों पे अत्याचार, मजलूमों पे अत्याचार, हर तरीके से इन लोगों ने बहुत हुआ, जो नारे थे इनके बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गए? ये यही अच्छे दिन है, यही मोदी के अच्छे दिन है? अरे इससे तो बुरे दिन कांग्रेस के थे, अगर कांग्रेस के वो बुरे दिन तो वही अच्छे थे, हमें हमारे अच्छे दिन लौटा दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के महोदय जी कह रहे थे सीए की बात कर रहे थे, तो अभी असम का चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है, पूरे चुनाव में यही इन लोगों ने राजनीति का, इनकी राजनीति का यही हिस्सा है, पूरे चुनाव में इन्होंने सीए का नाम नहीं लिया। कहीं आप सीए के नाम पे वोट मांगते हैं
और कहीं सीए का नाम लेना नहीं चाहते, और जो सीए के खिलाफ विरोधी पार्टियां थी उनसे आपने गठबंधन कर रखा है। आप कश्मीर की बात कहते हैं, मैं तो कहता हूं जो लोग कश्मीर की समस्या के समाधान का ये अंत समझते हैं वो बहुत बड़ी भूल है। ये अंत नहीं है बल्कि समस्या की शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल एजेंसियों के द्वारा इसी प्रदेश को अपने कब्जे में रखा गया है, ऐसे बहुत दिन तक नहीं कब्जे में रखा जा सकता। 370 हट गया तो ये गलत हो गया क्या? बात गलत की नहीं, कांग्रेस ने 70 साल तक कश्मीरियों में जो अलगाववादी थी उसको खत्म करके भारतीयता उसके अंदर से, अलगाववादी कश्मीर में नहीं थे आपकी 2014 तक वहां पर अलगाववादी नहीं थे, अब जो है अलगाववादी पैदा हो गया 2014 के बाद को जोड़ने का काम किया, और सुरक्षा के बल पे ताकत के बल पे किसी देश को किसी भी राज्य को किसी भी हिस्से को बहुत देर तक दबाया नहीं जा सकता। यही दिक्कत है कांग्रेस की, कांग्रेस को मुद्दे नहीं समझ में आते हैं कि वो कहां पर बोले, उसको विरोध करना है तो हर मुद्दे का विरोध करना है। ये मुद्दे नहीं है, ये 370 हटाकर कौन सा गुनाह कर दिया सरकार ने? अगर कश्मीर को हम अपना भारत का हिस्सा मानते हैं तो कौन सी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? क्या नहीं किया 70 साल से? उस वक्त जब देश आजाद हुआ था उस वक्त कश्मीर की क्या पोजीशन थी? क्या कोई वहां पे भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ सकती थी या लड़ने की पोजीशन में थी? तो आज हट गया है तो तकलीफ किस बात की है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अब और जल्दी विकास होगा, अच्छे से विकास हो पाएगा, क्या दिक्कत है? ये ऐसे ही नौकरी देने का वादा कर रहे हैं जैसे नहीं, नौकरी देना अलग है। 370 एक एक बात का जिक्र करिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के महोदय प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। कौन से रोजगार? आज तक वहाँ पे खुशहाल जिंदगी नहीं हुई, आपने अंधेरे में रखा है कश्मीरियों को, आपने उजाले में रखा था, अब अंधेरे में आ गए हैं। आप रोजगार देंगे? कांग्रेस मैं कह रहा हूँ, आपने उजाले में रखा था, अब ये अंधेरे में आए हैं लगता है। नए नए हम किसी भी समस्या, जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तब और उसके बाद आपकी 10 साल तक सरकार भी रही, लेकिन तब आपने कभी नहीं पूछा कि कितने अंधेर गर्दी थी वहां पर, लेकिन अब पूछ रहे हैं। जब 370 हट गई तो बड़ी अंधेर गर्दी आ गई है कश्मीर के अंदर, वो तो सबको पता है आज क्या सूरत हाल है। हाँ, तो आपने क्या किया? जिनके कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर स्थापित करने के लिए आपने कुछ किया, एक कदम उठाया? अगर नहीं तो उठाया तो फिर आप 370 पर नहीं बोल सकते। आप क्या समझते हैं ये अंत हो गया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंत हो गया है, मैं सिर्फ आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते क्या आपका फर्ज सिर्फ विरोध करना है क्या? कश्मीरियों के अंदर भारतीयता का पाठ पढ़ाया और कांग्रेस से लेके भारतीय जनता पार्टी से लेके तमाम भारत की पार्टियां जाके वहां चुनाव जीत के अब जीतने का माहौल बनी। चलिए ठीक है, लेकिन आप तरीके से ताकत के बल पे किसी चीज को, ठीक है भाई जी, आता हूं आपके पास। सुनील जी देखिए मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, असल में आम आदमी की जरूरतें क्या है, ये समझना और उस पर बात करना बहुत जरूरी है। 370 भारत के अन्य जो राज्य में लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं, तमाम अन्य राज्य हैं वहां पर लोग रह रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको 370 से उतना मतलब नहीं है, लेकिन मुद्दे तो उनके लिए भी बेरोजगारी या फिर तमाम जो मुद्दे हैं वो उनके लिए भी तो हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ हर बात पर विरोध करेंगी तो सही नहीं लगता ना। आपको क्या लगता है सत्ता पक्ष ने 7 साल के अंदर ऐसा क्या काम किया है जो विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई, और दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहां पर कमी छोड़ दी है जिसको उन्हें सुधारने की जरूरत है, या फिर अगर वो नहीं सुधारेंगे तो फिर आम जनता उनको वहां से हटा देगी, आपको क्या लगता है? हिमांशु जी, पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि 1989-90 में उस रात वो कांग्रेस कहां थी जब लाखों कश्मीरी पंडित रातों रात भगाए गए और उनपे जुल्म किए गए, उनकी जांघों पे काट काट करके चाकुओं से निशानों से कुछ लिखा गया कि आप ये बनो ऐसे बनो, क्या उस समय कांग्रेस कांग्रेस कहां थी उस समय 89-90 में? आप वरिष्ठ पत्रकार नहीं है क्या? नहीं नहीं, जनता पार्टी ने कश्मीरियों को वहां पे वापस पहुंचा दिया? नहीं नहीं, पहुंचाने की बात, पहुंचाया तो आपने भी नहीं ना, हम तो आपने भी नहीं बोले हैं, बोलने को मौका दीजिए हमको। आप बोलिए ठीक है, एक मिनट भाई जी आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा, आपको बुलाया है पूरा समय दूंगा जी। उसके बाद 89-90 में कत्लेआम हुआ, सरकार किसकी थी भारत दिल्ली में? आज तक लगभग 2500 लाख कश्मीरी पंडित
दिल्ली में पड़े हुए हैं उनके लिए कांग्रेस ने क्या सोचा? सात साल में आप भाजपा घेर रहे हैं, जो 70 सालों में आपने किया है उस 7 साल में ऐसा नहीं, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। चलिए ठीक है, 370 के अलावा और भी मुद्दे, ठीक है वाहिद जी, एक मिनट, बीच में नहीं अगर के पास आऊंगा, ठीक है 370 के अलावा। हिमांशु जी, अगर कांग्रेस ने सही मुद्दे उठाए होते 70 साल राज करने के बाद, आज जीरो कांग्रेस हीरो से जीरो पे आ गई है, ठीक खाते नहीं खुल रहे हैं, तो ये कौन सी गलतियां हैं? इनको तो पहले अपने गिरिबान में झांकना चाहिए कि भाजपा ने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया लोगों के बीच में कि भाजपा 70 साल में कहां थी? अरे 70 साल में कहां थी? 7 साल में जो मोदी जी ने कर दिया 70 साल में आप नहीं कर पाए? आपने तो केवल घोटाले घोटाले किए, 2G घोटाला, ये घोटाला, उसके बाद किया क्या? बेफोर्स घोटाला क्या किया कांग्रेस ने, बताइए हमको आप। अच्छा ठीक है, चलिए उस सरकार की हमको सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी घोटाला है, उन लोगों ने जो ब्लैक मनी रखते थे अपने पास में, देश की अर्थव्यवस्था चौपट करना चाह रहे थे, वो नोटबंदी से बहुत परेशान है, मेरा मानना है। पैसा लेके विजय माल्या तक फरार है, जो बड़े बड़े काला बाजारी काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, काला धन लेके सब फरार हो गए। अरे आपकी सरकार तो एक मंत्री जेल भी गए मान्यवर, में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लिप्त है, आप हमें पाठ ना पढ़ाएं। कांग्रेस ने जो 70 साल किया है आज देश खड़ा है, 7 साल में आपने बेचने का काम किया। सही कह रहे हैं, आप जरा इंटरनेशनल स्तर देखिए कि भारत किस स्थिति में आ गया है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जहाँ धर्म नहीं है ऐसा ऐसा धर्म मत सिखाइए, देखिए भाई जी हमको धर्म ना सिखाइए, हमारा धर्म क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है हाँ। और आपसे कम क्वालिफाइड भी नहीं होंगे हम, जी मुद्दे पर रहते हैं, क्वालिफाइड है आप पत्रकार, लेकिन किसी की खाली बुराइयां मत देखिए आप उसकी अच्छाइयां भी देखिए, और कांग्रेस बुराई देखते देखते यार रसातल पे आ गई, यही कारण है कि आप हमेशा बुराई ही मत देखिए। अगर कोई पार्टी अच्छा कार्य कर रही है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, गलत कार्य कर रही है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी, केसी जैन जी देखिए आता हूँ वाहिद जी, एक सेकंड, ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी, ये मछली मंडी नहीं है। दखल हुए कल आप होंगे केसी जैन जी, 10 साल देखिए इंतजार कीजिए, 10 साल इंतजार कीजिए, मछली मंडी नहीं है वाहिद जी, एक मिनट आता हूँ आपके पास। केसी जैन जी देखिए, आपने 370 का जिक्र किया, उसके अलावा भी बहुत सारे जिक्र किए जिसमें मैं आना चाहूंगा। आपने कहा कि हम किसानों का जिक्र कर रहे हैं, किसानों को आपने 6,000 रुपए सम्मान निधि के तौर पर दिए, क्या आपको पता है एनसीआरबी के जो पिछली बार का आंकड़ा है वो क्या कहता है? 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, आपके एक नेता ने ट्वीट नहीं किया कि इतनी बड़ी त्रासदी है इस पूरे देश में, और तब महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी तब भी आप नहीं बोले, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिक्कतें हुई और किसानों ने आत्महत्या की, और आपके जो मुख्यमंत्री थे वहां के उनके क्षेत्र में हुई, लेकिन बावजूद आपके किसी भी नेता किसी भी मंत्री ने एक बार जिक्र नहीं किया। आपने युवाओं का जिक्र किया, युवाओं ने किसानों से ज्यादा आत्महत्या कर ली, उस पर भी एक भी ट्वीट नहीं, और अगर हो तो प्लीज मुझे दिखाइएगा। तो इन दो मुद्दों पर किसान और युवा इस पर आते हैं, इस पर बताइए क्या। बिल्कुल देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये कि जो हम अनाज का वितरण कर रहे हैं तो क्या वो किसानों तक नहीं पहुंच रहा है? उसमें से ज्यादातर मजदूर और किसान ही हैं जिनको ये 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, इसमें 2 रुपए किलो चावल 1 रुपए किलो गेहूं लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही साथ किसानों के लिए प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, ये मैं कोरोना काल से पहले की स्थिति बता रहा हूं। सुन लीजिए देखिए, वो चाहे सिंचाई की भी हो, चाहे कोरोना काल का जिक्र करूंगा मैं, उस पर भी आऊंगा, आपकी उपलब्धि भी बताऊंगा, कमी भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो एनसीआरबी का आंकड़ा था, अगर आपने 7 साल में किसानों को इतना समृद्ध कर दिया, 6,000 रुपए देकर उनका इतना भला कर दिया, तो 10,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों कर ली इस देश के अंदर? और उससे ज्यादा आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 7 × 14 = 14 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे, कहां है वो डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करते हो कि 14 करोड़ रोजगार आपने दे दिए इस देश के नागरिकों को? दूसरी चीज कि आखिरकार किसानों से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या क्यों कर ली इन 7 सालों में? ये तस्वीर क्यों है सामने? आखिरकार इसका जवाब भी तो देना होगा, कोरोना काल पर आऊंगा लेकिन इसका जवाब पहले। केसी जैन जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो केसी जैन जी तो बताइएगा। शुल्क दिया गया लेकिन बाकी 2 रुपए और 1 रुपए की जो हमने बात की, ये तो परमानेंट साल के 12 मास इन 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो सम्मान निधि है,
ये सम्मान निधि जो किसानों की उपज है, जो किसानों की उपज खरीदी जाती है, अभी तक जो व्यवस्था थी उससे इतर, उससे हट करके ये 6,000 रुपए किसानों को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ये तो अतिरिक्त लाभ किसानों को क्यों दिया जा रहा है? 6,000 रुपए दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ये किसका पैसा है जो दिया जा रहा है, और आप ताली क्यों बजा रहे हैं इसके लिए? नहीं नहीं, देखिए देखिए हिमांशु जी, कोई भी योजना होगी तो होगी तो योजना बजट से ही, लेकिन बात ये है कि इसके पहले 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाले होते रहे, कॉमनवेल्थ घोटाला होता रहा, कोयला घोटाला होता रहा, मंत्री मिनिस्टर विधायक स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपना पेट भरते रहे, लेकिन उसी घोटाले के पैसे की बचत करके और इन पैसों को जनता के बीच में जनता के हित के लिए लगाया जा रहा है। देखिए लोकतंत्र की अवधारणा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार, तो ये व्यवस्था तो जनता के बीच से ही होनी है। लेकिन दिल्ली में आप विरोध क्यों करते हैं? होते थे उनपे हमने लगाम लगाई है, क्यों करते हैं जब वहां पर जब वहां पर सस्ता पानी दिया जाता है, सस्ती बिजली दी जाती है, तो फिर विरोध क्यों करते हैं? वो भी तो जनता का ही पैसा था और जनता से कम लिया जा रहा है उस चीज के लिए, तो वहां पर तकलीफ क्यों? नहीं, आपकी नीतियां अपने हिसाब से बदलती हैं, ये गलत बात है ना हिमांशु जी? बिल्कुल हिमांशु जी देखिए, रही बात आपने जो रोजगार की कही और किसानों की कही, किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार तमाम सारी योजनाओं को लाया गया, वो चाहे उनकी खाद की सब्सिडी को बढ़ाना हो, बीज की सब्सिडी को बढ़ाना रहा हो, या फिर उनके खाद्यान्न का मूल्य बढ़ा करके खरीदारी करना रहा हो, तो ये सारे काम किए गए। इसके साथ ही साथ 6,000 रुपए जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास खेती कम है, जिनके पास 1-2 बीघे की खेती है और जिनके पास ज्यादा उपज नहीं हो पाती है, उनसे आप पूछिए कि कितने लोगों को क्या फायदा हो रहा है? जो लगभग 12 करोड़ लोगों को जो ये लाभ हो रहा है किसानों को, तो आप उनसे पूछिए कि किस तरीके से उनको लाभ हो रहा है देश के किसानों को। अच्छा, इस देश में किसान की किसानों के लिए भी सरकार ने काम किया है, किसान की परिभाषा क्या है? नहीं नहीं नहीं, किसान की परिभाषा क्या? अब आपने किसान का जिक्र कर दिया तो सुनिए किसान की परिभाषा क्या है, बताइए जरा। आपके मंत्री को नहीं पता है, संसद के अंदर उन्होंने बताया कि कोई किसान की परिभाषा ही नहीं इस देश के अंदर। विडंबना देखिए, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसान की कोई परिभाषा तक नहीं है। वो जोत बता रहे थे कि कितनी जोतें होती हैं, लेकिन किसान की कोई परिभाषा किसी को पता ही नहीं है। हम किसको किसान कहते हैं? मैं भी किसान हूं, मैं अपने आप को भी किसान कह दूं। नहीं नहीं, देखिए जो खेत में काम कर रहे हैं, जिनके पास खेती है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे किसान है। कुछ लोग किसान मजदूर है और कुछ के पास जमीन है, वो स्वयं की किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ खेती बाड़ी किसानी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की 7 सालों की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो ख्याति पैदा की है, भारत की जो एक तरीके से जो भारत की छवि थी उसको बेहतर करने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि डिफेंस एक्सपो लखनऊ में होता है और हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो अभी तक हम हथियारों की सिर्फ और सिर्फ खरीद करते थे, खरीद अभी हम कर रहे हैं, राफेल जैसे ही बार अभी हम खरीद रहे हैं, लेकिन जो अभी तक भारत देश सिर्फ खरीद करता था, आज हथियारों का निर्यात कर रहा है, आज हथियारों का उत्पादक देश बन गया भारत देश। तो ये जो छवि है, ये जो छवि उभर करके आई, क्यों, कहां से उभर करके आई? किसानों और युवाओं का जिक्र हो रहा है, करने के बाद उभर करके आई है। किसानों और युवाओं का जिक्र हो रहा है, उनकी बात करिए अभी, मैं आता हूं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी आऊंगा। नहीं देखिए, किसानों के लिए हमने बताया आपको, साथ ही साथ नौजवानों के लिए जिस प्रकार से मुद्रा लोन से व्यवस्था की गई, बहुत सस्ते लोन दिए गए, और साथ ही साथ क्या किया गया, स्किल डेवलपमेंट, इसको भी बताइए, स्किल डेवलपमेंट करके। सुन लीजिए हिमांशु जी, देखिए देश की 132-135 करोड़ आबादी है, 135 करोड़ में अगर 50% तक लें जो हमारे पास युवा, वैसे उससे ज्यादा युवा हमारे पास में है, तो भी अगर सोच ले हम कि लगभग 70 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, तो जो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। अगर वकील है, वकील वकालत कर रहा है, वकालत में कितने लोग हैं, क्या एम्प्लॉय माने जाते हैं, क्या सरकारी एम्प्लॉय है सारे के सारे? सेल्फ एम्प्लॉय क्या आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं? बेरोजगार है और बेरोजगार है, निर्भर बनने की बात कर रहे हैं ना, तो सारे किसान लोग बेरोजगार ही हैं। नहीं, अगर जब प्रधानमंत्री ने 2014 में इस बात का जिक्र किया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो वो कौन से रोजगार थे? ठेला लगाना भी रोजगार आप बताते हैं, पकौड़े तलना भी रोजगार है, समोसे तलना भी रोजगार है, तो क्या आप बता रहे थे कि समोसे तल के हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? क्या आप इस बात का जिक्र कर रहे थे, मुझे प्लीज बताइए।
देखिए देखिए माननीय मोदी जी ने तमाम सारी चीजें क्या होती हैं, तमाम सारी चीजें प्रतीकात्मक होती हैं, सांकेतिक। हाँ, चुनाव अगर कह दिया, माननीय मोदी जी ने सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए हिमांशु जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने बनारस के घाट पर माँ गंगा के पास की सफाई करके जो सफाई कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ा। और उसके बाद में जो हमारा महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में 5 लोगों के 7 लोगों के दलितों के, उन लोगों के सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने धुए धुले, क्योंकि जो लाखों लाख हमारे पास सफाई कर्मी है, क्या सबके पैर धुलेंगे? इमोशनल अत्याचार करके वोट लेने के तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये समाज में इससे संदेश है। अच्छा मैं भी घर में माता पिता के पैर जाता हूँ, नहीं अगर मैं भी घर में माता पिता का बड़ा आदर करता हूँ, पैर छूता हूँ तो मुझे भी वोट दे दीजिए, ये कोई बात नहीं होती है। चालू हुआ, अरे देश के मालिक हैं आप भाई, आपको हर चीज की बात रखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी तथ्यों के आधार पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की प्रधानमंत्री ने इन 7 सालों में, एक बार की थी जिसमें गृह मंत्री ही बोलते रहे मौजूदा, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें की सवालों के जवाब, आम जनता के सवाल, मीडिया के सवालों को वो फेस करते। लेकिन हर महीने मन की बात जरूर होती है, एक तरफा संवाद। हिमांशु जी देखिए, ये जो पकौड़े तलने की आपने बात कही, मैं इस पे बता रहा हूँ कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वरोजगार की तरफ जाता है, एक ऐसा उदाहरण दिया जिसको हर कोई समझ सकता है। तो कांग्रेस के टाइम में कोई पकौड़ा नहीं तलता था क्या? कांग्रेस के टाइम में कोई पकौड़ा नहीं तलता था क्या? समोसे की दुकानें 2014 के बाद में खुली है क्या? पकौड़ियां 2014 में बनी है क्या? हिमांशु जी उससे पहले भी बनती थी, नई बात क्या है? माननीय मोदी जी ने बताया, देखिए अगर 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 जैसे आप ही हैं, हम ही हैं, अगर एक चैंबर की स्थापना होती है उसमें 10-5 वकीलों को रखा जा सकता है, अगर आप एक नया चैनल खोलते हैं तो आप 10-20-50 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कितने चैनल बंद हो गए बताओ, मैं कि मैं कहीं नौकरी करूं, मीडिया की त्रासदी बताने लायक नहीं है और आप सुन नहीं पाएंगे। कितने पेपर बंद हो गए, कितने ब्यूरो ऑफिसर्स बंद हो गए, कितने चैनल्स बंद हो गए, क्या बात कर रहे हैं? कितने पत्रकारों को निकाल के बाहर कर दिया गया, लागू ने किया गया, अरे आदरणीय हिमांशु जी मेरी बात को मीडिया खत्म ही कर दिया है। एक मीडिया पर्सन फोर्थ पिलर कहते हैं, देखिए तमाम फोर्थ पिलर में जो 3 पिलर हैं, पूरी अपनी रिस्पांसिबिलिटी सैलरी लेते हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया ही ऐसा है जो काम भी करता है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है, लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कई करोड़ लोगों ने जो मुद्रा लोन लिया वो किस लिए लिया? अगर आपके हिसाब से कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई स्वरोजगार कर ही नहीं रहा है, करेगा ही सर, कोई सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट है, 2-4 लोग अगर फायदा ले रहे हैं तो उसका आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि फायदा हो गया? नहीं, मुद्रा लोन किस लिए लिया? जो करोड़ों लोगों ने मुद्रा लोन लिया, एनपीए कितना हो गया इसको भी तो बताइए फिर, कि लोगों का रोजगार चला नहीं, क्योंकि रोजगार को लेकर आपने माहौल बनाया नहीं। हालांकि हमारी रैंकिंग जरूर सुधर गई, मानता हूं इस बात को, रोजगार को लेकर हमारी रैंकिंग सुधर गई, लोगों को रोजगार भी दिए गए, डायरेक्ट रोजगार भी दिए गए, इनडायरेक्ट रोजगार भी दिए। तो फिर त्राहिमाम रोजगार क्यों मचा है सर? प्रेरित होना पड़ेगा, देश की इतनी बड़ी आबादी है, हर एक व्यक्ति को सरकारी 40 साल की बेरोजगारी वाला जो आंकड़ा निकल कर आया, वो कहां से निकल कर आया था फिर? मैं तो लेकर आया नहीं था, आप ही की सरकार ने जारी किया था कि 45 साल की बेरोजगारी। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तरफ बात होती है सरकारी आंकड़े छुपाने की, सरकार ने बिल्कुल कोई आंकड़ा नहीं छुपाया, जो था उसको सामने रखा, तो उसको एक्सेप्ट कहां कर रहे हैं? उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, सरकार ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, हमें लोगों को रोजगार देना है। 45 साल की बेरोजगारी देश के अंदर हो गई, ये इसीलिए मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई। नहीं, ये आपकी उपलब्धि है क्या कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने उसको चैलेंज बात को मानिए ना, तो फिर बहस करने का मुद्दा खत्म। अनुमा भाई जी, ठीक है सर, आता हूँ आपके पास। अनुमा भाई जी, देखिए सरकार की लाख कमियां हैं, मैं इस मंच से कह रहा हूँ, तर्क दे रहा हूँ, अपनी बातों को रख रहा हूँ, लेकिन विपक्ष अपनी बातों को कैसे रखता है? विपक्ष ट्विटर की राजनीति खेल रहा है आजकल। जमीन पर कितने नेता आपके उतर कर काम कर रहे थे इस कोरोना काल में, जरा मुझे बताइएगा, कितने लोगों तक मदद पहुंचा दी? हाँ, छपने छपाने का जो तरीका है वो ढूंढते रहते हैं कि कहां से हम बस जनता के बीच में ये छवि पहुंचा देते कि हम देखिए सबसे ज्यादा मुद्दे उठा रहे हैं आपके, और कोई तो उठा ही नहीं रहा है। जी
हिमांशु जी, मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देता हूँ। हिमांशु जी, मैं आप ही के प्रश्न को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आपने सही कहा कि मोदी जी जब 2014 में आए तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। मेरी बातों को रिपीट करके क्या फायदा सर? नहीं नहीं, सवाल आपने बहुत अच्छा प्रश्न जो तो मैं तो पूछ ही रहा हूँ, मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ। यही बात है ना कि मैं पक्ष से पूछूंगा तो वो विपक्ष की बात करेंगे, मैं विपक्ष से पूछूंगा तो वो सत्ता पक्ष की कमियां गिनाने, अपनी अपनी तस्वीर देखने को कोई तैयार नहीं। सरकार को 14 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, लेकिन मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, अनियोजित लॉकडाउन के कारण 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है ना, धन्यवाद देता हूँ, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है ना, राजस्थान में आपकी सरकार है ना। अगर मैं ये पूछूं कि राज्य सरकारें कितना सृजन कर रही हैं रोजगार का, तो फिर बताइए जरा कहाँ पर खड़े होते हैं आपके राज्य? बिल्कुल, कांग्रेस ने जो वादा किया था, क्या वादा किया था? अगली नेक्स्ट डिबेट राजस्थान सरकार पे, और राजस्थान सरकार नहीं, आप यही बताइए। हमने बड़े बड़े वादे नहीं किए लॉलीपॉप वाले कि हम अच्छा। हम भारत की को की तस्वीर बदल देंगे। मोदी जी ने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार है, वो छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जा माफ की बात हो, रोजगार देने की बात हो, तमाम चीजों को 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट करने के दिखाया है, और जो कुछ बचा रह गया उस पर कांग्रेस कोशिश कर रही है करने के लिए, हम लोग प्रयत्न है, हम लोग दो किस्म की बात नहीं करते। दूसरी बात, अभी आपने एक्सेप्ट किया कि मीडिया की जो दुर्गत हुई है उसके लिए मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं कि मेरे एक मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, एक बहुत ही चर्चित चैनल में काम कर रहे हैं, कोरोना काल से पहले उसमें 35 स्टाफ काम कर रहा था, आज स्थिति यह है कि सिर्फ 5 लोगों से पूरा कार्यालय चलाया जा रहा है, उनकी ओबी तक खड़ी कर दी गई। कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते, केंद्रीय विपक्ष की बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा काम कर रही है जो जनता के भले का है बताइए? ट्विटर पर लिख देना जनता के भले या फिर उसके लिए कोई काम का नहीं है, इस बात को समझिए। हिमांशु जी बताइए, कांग्रेस का यूथ संगठन है भारतीय युवा कांग्रेस। आप सिर्फ यूथ कांग्रेस की एक्टिविटी भी देखिए, कोई प्रदेश, कोई राज्य, कोई जिला नहीं बचा है जहाँ पे इस राजनीति, ये जो महामारी चल रही है, हमने राजनीति को छोड़ के सेवा, सेवा का, सेवा में क्या, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हो, अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कांग्रेस यूथ बना रही थी, ऑक्सीजन बना रही थी वो? नहीं नहीं, यूथ नहीं बना रही थी, तो हमने लिया है, हमने अपने पैसे से लिया है, प्रोवाइड किया, लोगों को पहुंचाया है। अरे पैसे लेकर तो लोग भी खरीदे ले रहे थे, जब थी ही नहीं ऑक्सीजन तो खरीद कहाँ से रहते आप जी? जब ऑक्सीजन थी ही नहीं तो खरीद कहाँ से रहते? पैसे लोगों के पास कमी थोड़ी ना है, यूथ कांग्रेस बहुत अमीर है कि वो खरीद खरीद के दे रही थी लोगों के पास, जिनके पास पैसे थे उनको भी नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन, आप कहाँ से खरीद रहे थे सर? क्या चाहता हूँ, ये तो सवाल है उत्तर प्रदेश दिल्ली पुलिस ने यूथ कार्य कांग्रेस का जो कार्यालय है उस पे जाके छापामारी भी की, और वहाँ पे काम कर रहे लोग को, नेताओं की पूरी बारीकी, आप गलत भटक गए। यूथ कांग्रेस कहाँ से खरीद रही थी ऑक्सीजन जब थी ही नहीं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की किल्लत थी तो कहाँ पर थी यूथ कांग्रेस? दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जिन्होंने छापा मारा था उनको पूरा ब्यौरा दिया गया। दिल्ली, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अगर बहुत सारी से लेके वो सब मार्केट में उपलब्ध है, उसको देने का काम, उसको पहुंचाने का काम। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ऑक्सीजन में आपने अच्छा काम किया, और बताइए, और बताइए आम जनता को लाभ पहुँचाने के लिए क्या किया कांग्रेस ने? संसाधन, देश का संसाधन किसके हाथों में, जिनके हाथों में, आपका क्या सहयोग रहा सर? जिनके हाथों में सत्ता थी वो खामोश हो गए। अरे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आप तो विपक्ष में थे, आपने तो 70 साल तक सुख भोगा है, इस बात से क्या इनकार करेंगे? तो अब आप विपक्ष में हैं तो कोई जिम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं बनती है कि सिर्फ मोदी सरकार गलत है, मोदी सरकार ये, मोदी सरकार वो, हर चीज को मोदी जी से जोड़ दीजिए? बैंड लगाने की बात चल रही है उसी ट्विटर के माध्यम से, घरों तक सिलेंडर पहुंचाने का, दवाई पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अच्छा, दवा, अब कांग्रेस पार्टी दवा बना रही थी, अब ये किस तरीके का सवाल? दवा मेडिकल से लेके हॉस्पिटल से लेके वहां पे मरीज को पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। रेमडेसिविर की कमी थी इस देश में, अरे आप कैसे पहुंचा रहे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, आप जब कमी है तो फिर कैसे पहुंचा रहे थे? आप कमी है तो वो चीज है ही नहीं, तो पहुंचा कैसे रहे थे? करना क्या था? मैं बताता हूँ। अरे सर सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए, करना क्या था विपक्ष में रहते हुए, आपको करना क्या था? लेकिन आप जो है बात को घुमा रहे, आपको करना ये था कि आपको लोकल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आपको टास्क फोर्स बनानी चाहिए थी, जो कि मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि उसको करना चाहिए था।
लेकिन विपक्ष होने के नाते आपका भी ये कर्तव्य था कि आप टास्क फोर्स बनाते, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली टास्क फोर्स बनाते, क्षेत्रों में लोग जाते जिनको दिक्कतें हो रही हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जो लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिनके पास इलाज के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, देशव्यापी पूरा आंदोलन चल रहा है, पूरी किट चाहिए, वही बड़ी बात। हाँ, उस किट पर अपनी दो नेताओं के फोटो लगवाइए और उसको बांट दीजिए, मीडिया दिखा देगा और हम मान लेंगे कि देश में हर किसी के पेट में अन्न पहुंच गया। कमाल की स्थिति है भाई। मजदूरों तक भोजन पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है और जब मोदी सरकार ने इसीलिए पहली वेव जब आई थी तब कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया था, इतना अच्छा काम किया था मजदूरों को लेकर कि उनके राज्यों से भी पलायन हो रहा था। नहीं हो रहा था, गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, पलायन हो रहा, अगर आप अच्छा काम कर रहे थे तो पलायन वहां से क्यों हो रहा था? राज्य सरकारों को संभालनी थी लॉकडाउन में स्थितियां, लेकिन आप नहीं कर पाए। आप भी नाकाम, विपक्ष भी नाकाम, सत्ता पक्ष भी नाकाम, इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप किसी को बंद नहीं कर सकते। अगर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश का मजदूर भाग के आ रहा है, वो अपने क्यों भाग के आ रहा है? राज्य सरकार क्या कर रही थी? रोजगार देने के लिए, आपने रोजगार के लिए, अगर वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा है, लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको खाना प्रोवाइड करती या फिर उसके लिए व्यवस्थाएं करती? लेकिन वहां से लोग बाहर भाग रहे थे, क्या इस बात से इनकार कर देंगे आप? उसके राज्य में पहुंचाने का काम किया, अगर वो मजदूर जाना चाह रहा है, क्या बात है, कमाल करते हैं। सबको पहुंचाने का काम किया तो महाराष्ट्र से लोग निकलकर उत्तर प्रदेश तक जो मीलों का सफर तय करके आए पैदल पैदल, वो तस्वीरें झूठी थी क्या? क्या मजाक कर रहे हैं आप? लोगों के दर्द पर हंस रहे हैं आप? विपक्ष होने के नाते आप भी कुछ नहीं कर पाए। अगर आपने विपक्ष होने के नाते किया होता तो आम जनता आपके साथ खड़ी होती, मैं आपके साथ खड़ा होता। क्या बात कर रहे हैं सर आप? लेकिन आप भी नाकाम, और इसलिए सत्ता और विपक्ष दोनों अगर नाकाम रहे कोरोना काल में, तो फिर उम्मीद किससे करूं? किससे उम्मीद करूं? इससे अच्छा काम तो एनजीओस ने किया है, हजारों एनजीओस को जानता हूं मैं जिन्होंने अच्छा काम किया, लोगों को गुपचुप गुपचुप खाना खिलाते रहे, कभी प्रचार नहीं किया अपना, उनके सहारे ये व्यवस्था चलती रही, नहीं तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। आप कोई व्यवस्था संभाल पाने की स्थिति में थे ही नहीं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। अगर राज्यों की बात करूं तो वहां की सरकारें भी नाकाम रही, और आप क्या बात कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया? सुनील जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हर राज्य से पलायन हुआ, कोई राज्य कह सकता है कि पलायन नहीं हुआ? बिल्कुल पलायन हुआ, इस तरीके का। हम एक जय साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। दोबारा क्यों नहीं पलायन हुआ सुनील जी? दोबारा क्यों नहीं पलायन हुआ? जब देश देश की सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं रहेगी तो यही हाल होगा। आपके पास जिम्मेदारी कोई नहीं है। कांग्रेस के पास थी पॉलिसी, दिल्ली से चली थी वो पॉलिसी, और फिर नीचे जाकर वो पता नहीं कहाँ खो गई। कांग्रेस की जहां सरकार थी, जहां सरकार में नहीं थी, जो हमारी जिम्मेदारी थी। 7 साल में अगर सत्ता पक्ष नाकाम रहा है तो 7 साल में विपक्ष भी नाकाम रहा है, इस बात को समझिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। हवा हवाई बातें करना मेरा नेचर नहीं है, मेरा अनुभव जो अभी तक का कहता है वो यही कहता है कि 7 साल में ना आपने काम किया, अगर सत्ता पक्ष ने काम नहीं किया इस चीज को लेकर, तो विपक्ष भी खामोश बैठा रहा। और आम आदमी आपके साथ में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। सुनील जी, हिमांशु जी, सबसे ज्यादा तो हम चर्चा किसानों करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं बेसिक किसान हूं भी। जैन साहब कह रहे हैं किसानों के लिए गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। लेकिन आप ये जाने किसानों की स्थिति वास्तव में क्या है? आपने डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि किसान भुखमरी कगार पे आ रहा है, खेत में पानी नहीं लगा पा रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं गैन साहब, बताइए हमको आप। दूसरी बात, सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ और आप तेल बिक रहा है 190-200 रुपए किलो। क्यों बिक रहा है वो उत्पादित सरसों? कहां चली गई हमारे प्रदेश की? क्या सरकार आपकी नहीं जान नहीं है कि आप जनता 200 तेल खाने के लिए मजबूर है? जो आदमी लॉकडाउन मीडियम क्लास मर रहा 2 सालों से, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? वो चाहे किसान हो चाहे मध्यम वर्ग हो, आज ये स्थिति आ गई है कि महंगाई एकदम चरम सीमा पे आ गई है, थाली से आधे व्यंजन गायब हो गए हैं, इससे आप नहीं मुकर सकते हैं। और इतना सरसों का उत्पादन हो जाने के बावजूद भी न सरसों मार्केट दिखाई पड़ रही, न तेल दिखाई पड़ा। हिमांशु जी, मैं एक और आप चैनल माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस समय उत्तर प्रदेश में बीज माफिया इतना हावी है कि हो सकता है कि
सरकार बीज माफिया किसानों को चला रहा है। जिस समय बीज उत्पादित होता है, चाहे वो गेहूं का हो चाहे वो धान का हो, ये लोग मार्केट से ले लेते हैं, भर लेते हैं और महंगे दामों पर वही बीज किसान कृषि विभाग को दे करके बाहर बिकवाता है। अब आप ये बताइए कि जो बीज किसान को 15 रुपए मिल रहा है, अगर वो सरकारी बीज 35 रुपए मिलेगा तो किसान क्या करेगा बताइए? 15 रुपए वाला लेगा 35 रुपए वाला लेगा? ये किसान माफिया किसानों का, सॉरी, बीज माफिया किसानों का खून पी रहे हैं और सरकार, कृषि मंत्री तक इससे अनभिज्ञ नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कि कृषि मंत्री भी जानते हैं इस बात को है कि बीज बाहर खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। आप बताइए, आप 25-30 रुपए किलो वाला बीज अगर 40 रुपए में आप बेचोगे, कौन किसान लेगा? इसके अतिरिक्त हिमांशु जी, एक गेम और भी हो रहा है कि जो बीज वितरित किया जा रहा है जिले स्तरों पर, वो बीज किसान नहीं ले रहा है, जबरदस्ती उसको मार्केट बेच दिया जा रहा है। किसानों के खाता खतौनी लेकर के वहां के अधिकारी लगा देते हैं और सब्सिडी खा जाते हैं। और न हो तो मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं जैन साहब आपसे, कि उत्तर प्रदेश में आप जांच करा दीजिए कितना बीज गया है, किन किसानों ने खरीदा और कहां बोया है। अभी ढैंचा सीजन चल रहा है, ढैंचा हिमांशु जी एक ऐसी चीज है कि ऊसर को ठीक करता है, ढैंचा घोटाले को, जब सरकार विपक्ष में थी भाजपा की, 100 घोटाले इन्होंने लिए थे उत्तर प्रदेश से, 100 घोटालों में इनके पास जो बुक रखी होगी भाजपा वालों के पास, आप पूछे उनसे, 100 घोटालों में ढैंचा घोटाला भी था। 100 घोटाले कहां चले गए 7 सालों में आपके? अगर आप अच्छी तरह से काम करना चाह रहे हैं, जो 100 घोटालों की किताब छपी थी उसमें एक घोटाले पर भी कार्यवाही नहीं हुई अब तक, और ढैंचा घोटाला तब से लेके अभी तक होता चला रहा। जैन साहब, कार्रवाई करने में तो बड़े उस्ताद हैं आप लोग, कहां चला गया 100 किताब? मैं अगले बार रखी मीटिंग में वो किताब दे सकता हूं जो 100 घोटाले लिखे थे उत्तर प्रदेश के। बताइए बताइए, पहले तो भ्रष्टाचार पर ही चलिए, इसी पर बात हो जाए। क्या किसान किसान बेचारा मजबूर है, क्या गेम खेला जा रहा है उसके साथ में? सुनील जी सवाल उठा रहे हैं, बताइए अब इसका जवाब दीजिए, एक किसान होने के नाते उठा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार तो है ही वो। जी, देखिए देखिए हिमांशु जी, तमाम सारे सवाल हमारे सुनील भाई ने उठाए, लेकिन जो बीज की बात कही है, समय समय पर जो भी इस तरीके के केंद्र है और जो प्राइवेट दुकानें भी हैं वहां पर भी समय समय पर छापेमारी होती है, क्योंकि जो सब्सिडी वाली पैकेजिंग है, सब्सिडी वाले बीज है, उनकी बिल्कुल अलग पैकेजिंग होती है और वो सरकार के छूट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगर वो मार्केट में जिस भी दुकान जाते हैं उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है। बीज आप दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि देखिए वो बीज उनसे पूछिए कि कौन फार्म हाउस है जहां पैदा हो रहा है, जिन जिन फर्मों से आप बीज ले रहे हैं उनकी जांच कराइए, कितना बीज उन्होंने बोया, कितना उत्पादित किया है, कितना सप्लाई किया कृषि विभाग को। हिमांशु जी, देखिए बात ये हो रही थी, आप सब्सिडी नहीं दे रहे, इससे ये तो प्रूफ हुआ सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी दी जा रही है, मार्केट में चीज 35 रुपए 40 रुपए की है, वो सब्सिडी दे करके 15 रुपए की दी जा रही है। नहीं नहीं, तो जैसा 15 रुपए नहीं दी जा रही है, किसान को 25 रुपए मिल रही है। अच्छा ठीक है, खाद पे सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है ठीक है, सब्सिडी तो आज सिलेंडर पर भी दे रहे हैं, कितने रुपए दे रहे हैं प्रति बोरी के हिसाब से, ठीक है, तो किसानों का हो गया, किसानों का हो गया, और जो उपज है, अर्थव्यवस्था और महंगाई पर भी चर्चा होनी चाहिए, ये हमारी और आपकी जेब से, हमारे किचन से जुड़ता है, हमारे पेट से जुड़ता है। कैसे बिकवा रहे हैं बताइए, जनता क्या करेगी? देखिए महंगाई का ये है, महंगाई का ये है कि अगर पिछले 7 सालों की सरकार में 6 साल तक महंगाई को पूर्ण नियंत्रण में सरकार ने रखा, बीच में इस समय कोरोना काल की वजह से सही आयात निर्यात पे, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात पे दिल पर हाथ रख के बताइएगा, मैं छोड़ता किसी को नहीं, तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, इनको भी जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा। जैन साहब, दलहन और तिलहन से पब्लिक बहुत परेशान है, अंतरराष्ट्रीय निर्यात नहीं हो रहा है, इसलिए बाहर से खरीद फरोख्त बंद होने के कारण जो कुछ दिक्कतें आई है उनका निवारण बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। ठीक है, मार्च 2020 से एक क्वार्टर अगर हम पीछे चले जाए तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, जरा मुझे बताइएगा प्लीज। देखिए हिमांशु जी, अगर अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी नहीं थी तो 20 लाख करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई वो कहां से की गई? कोरोना काल में जब समस्याएं आई तो मध्यम वर्ग के जो और निम्न वर्ग के जो तरीके के रोजगार थे उनको ऊर्जा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले ये बताइए, पहले ये बताइए जीडीपी हमारी और जीडीपी हमारी कोरोना से पहले गर्त में थी कि नहीं थी, सिर्फ हाँ या ना बताइए। नहीं 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 नहीं, केसी जैन जी सिर्फ ये बताइए कि गर्त में थी कि नहीं थी कोरोना काल से पहले, आपकी आवाज नहीं आ पाई, पीछे दोहरा, जीडीपी हमारी गर्त में थी कोरोना काल से पहले हाँ या ना? अगर थी तो फिर ये आपकी नीतियों की कमी थी, और आप कह रहे हैं महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, महंगाई आप तो कह रहे थे कि आपकी सरकार आएगी तो 30 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 10 रुपए खाना मिलेगा, 40 रुपए में पेट्रोल बिकेगा,
आपके साथी रामदेव बाबा जी जिनके साथ खड़े होकर आप कोरोनिल बेच रहे थे, वो कह रहे थे कि 3500 में बिकेगा। शहनवाज हुसैन जी जिन्हें आपने मंत्री जी बना दिया, वो कह रहे थे, प्रकाश जावड़ेकर जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 30 रुपए में बिकेगा, 3500 में बिकेगा पेट्रोल। आज तक 7 साल में एक दिन बता दीजिए जब 35 रुपए का, 40 रुपए का, इवन 50 रुपए का पेट्रोल बिका हो। 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले पेट्रोल 90+ पहुंच गया था, और 7 साल तक अगर उसके अच्छा क्रूड ऑयल का उस वक्त रेट क्या था, महंगाई क्रूड ऑयल का रेट क्या था, क्रूड ऑयल का रेट क्या था उस वक्त, नहीं केसी जैन जी भटकाइए मत, क्रूड ऑयल का रेट क्या था, क्रूड ऑयल का रेट क्या था बताइए उस वक्त, जिस वक्त आप 90 रुपए का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त क्रूड ऑयल का रेट क्या था। देखिए हिमांशु जी, पेट्रोल डीजल के दामों को स्वतंत्र करने का काम किसने किया, सरकार के नियंत्रण से बाहर करने का काम किसने किया, कंपनियां इसका निर्धारण करेंगी, किसने तय किया, ये कांग्रेस की सरकार ने तय किया ना, सरकार इतना कमाई कर रही है इससे, सुनिए मेरी बात, नहीं तो अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़े मेरी बात, सरकार आम आदमी का खून चूस चूस कर इतनी कमाई कर रही है पेट्रोल डीजल से, अब वो इसको नियंत्रित करना चाहे भी तो नहीं कर पाएगी, ये मैं लिख के देता हूँ आज इस डिबेट के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। हिमांशु जी मैं भी वही बात कह रहा हूँ, 2014 का जिक्र कर रहे हैं, 2013 का जिक्र कर रहे हैं, मैं बताता हूँ और दूसरी बात ये है, रेट हमारी जनता भी जान ले, अगर बार बार भटकाया जाता है क्रूड ऑयल के नाम पर, उस वक्त $40 पर बैरल तक पहुंच गया था क्रूड ऑयल, और उस वक्त रेट 80 के आसपास थे, लेकिन आज क्रूड ऑयल आपको 50 रुपए में $60 पर बैरल पर मिल रहा है, लेकिन आपकी पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर जा चुकी है, तो सरकार से हम ना पूछें कि आखिरकार महंगाई कहां से आ गई, क्यों ना पूछे भाई। देखिए हिमांशु जी हाँ देखिए, जब पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ें और पेट्रोल के जब दाम बढ़ें, तो ऐसे में राज्य सरकारों को चाहिए कि अपना वो वैट कम करें। अच्छा, और आप जब नहीं कम करेंगे पेट्रोल की कीमतें, आप तो पैसा लेते ही नहीं है पेट्रोल डीजल से, घट जाए तो वो वैट को बढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से पेट्रोल की कीमतें लगभग एक बराबर लेवल में चलेंगी, लेकिन क्या होता है कि जब कीमतें बढ़ती है तो जो वैट है, वैट चूंकि परसेंटेज पे है, वैट और ज्यादा प्रदेशों का हो जाता है, तो पेट्रोल डीजल की कीमत को ज्यादा बढ़ा राज्य सरकारें ना ले उसमें से, सारे का सारा केंद्र सरकार लेगी, गजब हाल है। दिल्ली सरकार 38% 40% वैट ले रही है, अरे तो उत्तर प्रदेश सरकार कम कर देती ना, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ ना केंद्र ने किया ना राज्य ने किया, आम जनता का खून चूस रहे हैं, बिल्कुल है, कम है हिमांशु जी, अरे क्या बात कर रहे हैं, 91 का पेट्रोल है, पता है आपको, उससे ज्यादा का है, जबकि 91 और वहाँ पे 38% वैट है, अरे तो आप क्या चाहते हैं, दोनों स्टेटों में मध्य प्रदेश के अंदर एक जिले में 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है, वहां किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के राजधानी के अंदर 91 रुपए में बिक रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, आम जनता को कोरोना काल में लूटने का काम कर रहे हैं, नौकरियां बची नहीं, जिनकी बची है कटौती हो रही है, और आप जो है इस तरह से लूट रहे हैं आम जनता को, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई, ये किस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। देखिए 370 खा लीजिए आप, 90 रुपए में राम मंदिर को आप जो है 7 साल पहले भजन सुनकर आप पेट भर लीजिए, 7 साल पहले 90 रुपए में पेट्रोल था, लेकिन उसकी कीमतें अगर हमने 7 साल पर में रखी, आज 100 से ऊपर है, 90 इस समय अगर कुछ रेट बढ़े हैं, कुछ रेट इस समय बहुत रेट बढ़े हैं सर, खून चूस रहे हैं आप जनता का, लेकिन सुश्री सीतारमण जी के साथ में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मीटिंग हुई है, इन नेताओं को कैसे नियंत्रण किया जाए, टैक्स को कम करके किया जाए, कैसे किया जाए, इस पे वार्ता हुई है, बिल्कुल जल्दी ही समस्या से भी खाए ना खाए उससे क्या फर्क पड़ता है, भी निदान पा लिया जाएगा, लेकिन अभी 50 रुपए में हिमांशु जी एक बात छूट जा रही है, आपकी सारी चर्चा में एक बात छूट जा रही है, मैं उसकी चर्चा कर दूं, अभी बहुत सारे आरोप कांग्रेस के साथी लगा रहे हैं, कांग्रेस आपको कोसेगी, आप कांग्रेस को कोसेंगे और आम जनता इस बीच खो जाएगी, उसके मुद्दे खो जाएंगे, और महाराष्ट्र में 50% निकल रहे थे पूरे देश के,
और महाराष्ट्र से लोग पलायन करके भी यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। और जब पहली लहर आई थी 20 लाख नए लाशों को नोच रहे थे, ये कहीं पर नहीं हो रहा था, किसी भी जिले में नहीं हो रहा था, किसी भी राज्य में नहीं हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति थी। मुझे ये बार बार कहने पर मजबूर मत किया करिए, ये दूसरे पर आरोप जब आप लगाते हैं तो नहीं। एक आम आदमी होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरा खून खौल उठता है जब आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। नहीं, ये गलत बात है सर। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं। हिमांशु जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, बहुत जल्दबाजी में बात नहीं आ पाती है, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, 20 लाख नए राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भरी, जिनको राशन देना था। इस तरीके का कार्य क्या अन्य प्रदेश सरकारें नहीं कर सकती थी? हमारा सबसे सवाल है कि अगर इस तरीके का क्या राज्य सरकारों के नहीं, केंद्र सरकार की चर्चा हो रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन पलायन करके चर्चा करूंगा तब इन बातों का जिक्र करिएगा। नहीं, पलायन करके तो उत्तर प्रदेश में आए थे ना, ये 20 लाख लोग पलायन करके दिल्ली और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में आए थे। गुजरात से पलायन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के लोग पलायन नहीं कर रहे थे क्या? कहां पे सबसे ज्यादा लोग आए? कहां पे? उत्तर बिहार के लोग पलायन नहीं कर रहे थे क्या? हमने उसको संभाला। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन फिर मैं कह रहा हूँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अपने शर्ट में झांकने की कोशिश करिए, अपने सामने एक आईना रखकर देखिए कि आप कितने सही हैं, आपने कितनी व्यवस्थाएं की। सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर हमको मिलजुल कर काम करना था तो आखिरकार जब मिलजुल कर काम करना था तो फिर मिलजुल कर काम क्यों नहीं हो रहा है? बर्बाद हुई जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी, 50 लाख वैक्सीनें बर्बाद की गई, षड्यंत्र के तहत बर्बाद की गई। लॉकडाउन के पीरियड में कितने लोग मर गए? देखिए हिमांशु जी, कोई जानकारी नहीं है हमारे, आपके पास कहां से होगी? यहाँ पर जो जो भी हमारे चला रहे हैं उनके पास हमारे नागरिकों ने, जिन भी लोगों ने जान गंवाई है, उनके सबके साथ सरकार की संवेदनाएं हैं, लेकिन क्या सरकार के मंत्री और विधायक तक ने अपनी जाने नहीं खोई? एहसान हमारे कितने विधायक, कितने मंत्री चले गए? एहसान किया है इस जनता के ऊपर, उनके लिए नहीं थी। कितने आम जनता चली गई, इससे तो मतलब होगा नहीं आपको। क्या कोई स्पेशल व्यवस्था थी? स्पेशल व्यवस्था थी तो मंत्री विधायक क्यों चले गए? अरे लीजिए, क्यों उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई? नहीं, मंत्री विधायक चले गए, हमको बहुत दुख है। नहीं देखिए, मुझे इस देश का कोई भी नागरिक, वो गरीब हो या फिर मंत्री जी हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब समान है। आपके लिए कम ज्यादा, हिंदू मुस्लिम या फिर सिख ईसाई कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए हर कोई एक इस देश का नागरिक है, तो वो मेरे लिए एक सम्माननीय है। आप समझिए, आप भी एक सम्माननीय है मेरे लिए, और एक गरीब आदमी जो कि ठेले चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो भी मेरे लिए सम्माननीय है। लेकिन तब तक है जब तक वो इस देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, और जहां झूठ बोलेगा तो मेरे सवाल तो आएंगे। सुरेश श्रीवास्तव जी, हमारे विधायक सेवा करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी उन्होंने। बिल्कुल, एक लोगों को सम्मान, मैंने क्या कहा, अजय चतुर्वेदी जी का सम्मान है। आरएसएस के, हमारे आरएसएस के थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ के, चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। चर्चा बहुत लंबी हो गई लेकिन समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। सुनील जी, केसी जैन जी, हनुमना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। तो 7 साल बेमिसाल है, या फिर जनता ने इन 7 सालों में जो ये 1.5 साल देखे हैं पिछले, वो ज़्यादा कष्टप्रद रहे हैं। महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर तमाम मुद्दे हैं, कोरोना को लेकर सरकार ने किस तरह से उसको हैंडल किया है, राज्य सरकारों ने किस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया है, हर नागरिक की अपने दर्द हैं, अपनी समस्याएँ हैं। लेकिन जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो अगर सरकार उपलब्ध ना करवा पाए तो सवाल पूछना आपका फर्ज बन जाता है। और सरकार आपकी सेवा के लिए है, वहाँ पर राज करने के लिए नहीं है, आप पर कोई भी हुक्म चलाने के लिए नहीं है। लेकिन सरकार अगर हुक्म चलाएगी तो आपके पास एक वक्त आएगा जब आप अपने इस उंगली से बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए, कोरोना काल में जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।